नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी और कौरलुश उस्मान में जहां मुजाहिदीन का जिक्र हुआ है, वहीं उन मर्द मुजाहिदों की पुश्त पनाही के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों का जिक्र भी मौजूद है, जो सदियों से अल्लाह के दीन की तालीमात को लोगों तक पहुंचाते और नौजवानों की रूहानी तरबियत करते आ रहे हैं। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में इब्नुल अरबी ने अर्तुगरुल की रूहानी तौर पर मदद और तरबियत की। ठीक उसी तरह ड्रामा सीरियल कौरलुश उस्मान में शेख अदबाली ने उस्मान गाजी की रूहानी तरबियत की। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको उस्मान गाजी के रूहानी उस्ताद शेख अदबाली के बारे में बताएंगे कि वो कौन थे, शेख अदबाली का अर्तुगरुल गाजी से क्या रिश्ता था, वो कैसे उस्मान गाजी के सरपरस्त बने, उस्मान गाजी किस वजह से शेख अदबाली की दरगाह के चक्कर काटते थे, शेख अदबाली का बाला खातून और माल खातून से क्या रिश्ता था, तारीख में उस्मान ड्रीम्स किस चीज की तरफ इशारा है, शेख अदबाली ने उस्मान गाजी को दिल को छू लेने वाली क्या नसीहत की, शेख अदबाली का मकबरा आज किस हाल में मौजूद है, कौरलुश उस्मान में शेख अदबाली का किरदार अदा करने वाला तुर्क अदाकार असल जिंदगी में कौन है, ये सब और इस किरदार से जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, तारीख के मुताबिक शेख अदबाली 1206 ईस्वी में तुर्की के शहर अनाक में पैदा हुए। शेख अदबाली एक तुर्क सूफी शेख थे जो अपने इंसाफ और तालीम के लिए मशहूर थे। वो बर शेख के नाम से भी जाने जाते थे। शेख अदबाली ने तुर्की के शहर सोगौत में उस्मानी सल्तनत की बढ़ती हुई शक्ल और पॉलिसियां बनाने में अहम किरदार अदा किया। बनू तमीम कबीले और अल खतर खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से इस दौर की मुस्लिम दुनिया के हलके में उनका बहुत एहतराम किया जाता है। नाज़रीन, मौरखीन लिखते हैं कि अर्तुगरुल गाजी और उनके बेटों ने एक मर्तबा शेख अदबाली की जगह पर कुरान मजीद का एक मुरत्तब वर्जन देखा तो वो बहुत हैरान हुए। काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी शेख अदबाली के बहुत करीब थे। शेख अदबाली अक्सर औकात इस्लामी तालीमात अर्तुगरुल तक पहुंचाते थे। वो अनातोलिया के मतनुआ आबादी के मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादलाए ख्याल करते थे। अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी भी अक्सर औकात शेख अदबाली से मुलाकात करने के लिए जाया करते थे। उस्मान को उनकी सोहबत में रहना बहुत पसंद था और इस तरह शेख अदबाली उस्मान के रूहानी सरपरस बन गए। बाद अज़ा उन्हें शेख की तलवार से भी नवाजा गया। शेख अदबाली के दो बेटे जिनका नाम महमूद पाशा और मोहम्मद पाशा, जबकि दो बेटियाँ थीं जिनका नाम मलहून खातून और राबिया बाला खातून था। शेख अदबाली की दरगाह मुकद्दस के दौरे के दौरान उस्मान गाजी की नज़र शेख अदबाली की बेटी राबिया बाला खातून पर पड़ी और उनको देखते ही उस्मान गाजी को उनसे मोहब्बत हो गई। चुनाचे अदबाली की दरगाह पर दौरे करना उस्मान गाजी के लिए एक वजह बन गई। जब उस्मान गाजी ने शेख अदबाली से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो शेख अदबाली ने समाजी राबतों के फासले की वजह से इनकार कर दिया। बाज मौरखीन के मुताबिक शेख अदबाली उस्मान के वालिद अर्तुगरुल गाजी से अनातोलिया के मुसलमानों की सूरतेहाल पर गुफ्तगू किया करते थे, इसलिए उस्मान कई बार शेख अदबाली का मेहमान रहा। बिलाखिर शेख अदबाली उस्मान गाजी के रूहानी सरपरस्त बन गए और उन्होंने उस्मान गाजी को एक अनमोल गाजी तलवार से मुंसलिक कर दिया। नाज़रीन, मौरखीन ये भी लिखते हैं कि एक मर्तबा उस्मान गाजी शेख की दरगाह पर सो रहे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। आपने देखा कि एक हलाल चांद शेख अदबाली के सीने से निकला और रफ्ता रफ्ता वो बदरे कामिल बन गया, यानी कि 14वीं का चांद बन गया और इसके बाद वो उस्मान के सीने में पेवस्त हो गया।
फिर उस्मान के सीने से एक दरख्त नमूदार हुआ और बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि उसकी शाखें आधी जमीन तक फैल गईं। दरख्त के पत्ते तलवारों से मुशाबे थे। अचानक से एक तेज हवा चली और दरख्त के सारे पत्तों का रुख एक बड़े आजम की तरफ हो गया। वो बड़े आजम एक अंगूठी की तरह दिखाई देता था। उस्मान वो अंगूठी पहनना ही चाहता था कि उसकी आंख खुल गई। उस्मान गाजी जब सुबह बेदार हुए तो उन्होंने अपना ये ख्वाब शेख अदब अली को सुनाया। ख्वाब सुनते ही शेख अदब अली ने अपनी बेटी राबिया बाला खातून का निकाह उस्मान से करवा दिया। तारीख में ये ख्वाब उस्मान्स ड्रीम के नाम से जाना जाता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सल्तनत उस्मानिया का एक इशारा था। अपनी बेटी का निकाह उस्मान गाजी के साथ करने के बाद शेख अदब अली ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने में उस्मान गाजी की मदद और तरबियत की। खिलाफत उस्मानिया कायम होने के बाद शेख अदब अली ने उस्मान को एक नसीहत की। वो नसीहत कुछ इस तरह से है, ऐ मेरे बेटे, तुम अब बादशाह हो, अब से हमारे लिए गजब है, आपके लिए सुकून, हमें नाराज करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, हमारे लिए इल्जाम लगाने के लिए, आपको बर्दाश्त करने के लिए, हमारे लिए बेबसी और गुमराही, आपके लिए रवादारी, हमारे लिए झगड़ा, आपके लिए इंसाफ, हमारे लिए हसदो अफवाह बोहतान और आपके लिए मुआफी। ऐ मेरे बेटे, अब से ये हमारे लिए तकसीम करना है और आपके लिए इसको मुतहद करना, हमारे लिए ये काहली है, आपके लिए इंतबाह हौसला अफजाई है। ऐ मेरे बेटे, सब्र करो, एक फूल अपने वक्त से पहले नहीं खिलता, कभी भी फरामोश ना करो, इंसान फलेगा फूलेगा और रियासत भी फले फूलेगी। ऐ मेरे बेटे, आपका बोझ भारी है, आपका काम मुश्किल है, आपकी ताकत बालों पर लटक रही है, ऐ मेरे बेटे, खुदा आपका मददगार हो। नाजरीन, शेख अदब अली 120 साल की उम्र में सन 1326 ईस्वी को तुर्की के शहर बेल्सिक में इंतकाल कर गए। आपका मज़ार तुर्की के शहर बेल्सिक में मौजूद है, जो कि इब्तदा में आपके नवासे ओरहान गाजी ने तामीर करवाया था, मगर यूनानियों के हमलों में ये तबाह हो गया, जो कि बाद में सुल्तान अब्दुल हमीद के दौरे हकूमत में तामीर करवाया गया। नाजरीन, अब कुछ बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल कोरलुश उस्मान में शेख अदब अली का किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकार की। ड्रामे में नजर आने वाला ये तुर्क अदाकार मारूफ फिल्म स्टार सैयदा एल्दीज है। सैयद 20 मई 1962 को तुर्की में पैदा हुआ। सैयद एल्दीज अदाकारी के साथ फिल्म निगार भी है। ये अपनी फिल्म फॉर दोज हु लॉन्ग टू ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है, जो 2010 में रिलीज हुई। इसके अलावा फाइंडिंग फातिमा और बोलेमी ओकलाची भी इन्हीं की फिल्में हैं। उन्होंने मीमार सनन यूनिवर्सिटी सेनेट कंजर्वेटरी के थिएटर डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सैयदा कई फिल्मों और सिनेमा में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। सैयदा एल्दीज के इंस्टाग्राम पर 13,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें।